हेलो जी, आज गुरेज से हम श्रीनगर जाने के लिए निकल रहे हैं। सुबह 8 बजे का टाइम है। हमारी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं बता रहे थे, आज से मैं जब 5 साल पहले गुरेज आता था ना, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब ये सारी जो आज डेवलपमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, रहने की सुविधाएं बन रही हैं, होमस्टेज बन रहे हैं, गेस्ट हाउसेज बन रहे हैं, ये सब पिछले 4 से 5 साल की डेवलपमेंट, उसमें भी लास्ट 3 ईयर से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अब बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अब नाश्ता करते हैं और यहाँ से हम चलते हैं। कुछ समय हम लोकल गुरेज में बिताएंगे, जो हमारे एक दो पॉइंट्स मिस हो गए हैं, मस्ट विजिट वाले, और उसके बाद हम नीचे की तरफ उतरेंगे। मैंने आपको वैसे पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पर जो हमने रूम टैरिफ दिया है वो 4,500 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी में है, और इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूड है, राइट है। पहले शायद मैं डिनर बताना रह गया था, मैं खुद ही भूल गया था इसमें डिनर इंक्लूड है। अभी मैं पेमेंट करने लगा तो इन्होंने बोला कि आप डिनर का कोई बिल नहीं है, क्योंकि आपके इसमें इंक्लूड है। चलो अब लगेज मेरा रेडी है, नाश्ता करते हैं और यहाँ से चलते हैं। आज सनी डे है तो सूरज की रोशनी एकदम आंखों पे आ रही थी, तो मैंने गॉगल्स पहन लिए। यहाँ पर मैं आया हूँ ये देखने के लिए कि इंडियन आर्मी और जेके टूरिज्म मिलकर जो कल्चरल सेंटर बना रहे हैं शीना ट्राइब का, वो विज़िट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वैसे ही ऑफिशियली अभी इनॉग्रेट हुआ नहीं है, अगस्त मंथ में होने वाला है। ये सामने की बिल्डिंग में ही कल्चरल सेंटर बन रहा है। हमारे साथ फरीद अहमद साहब हैं, आप दर्दी ट्राइब से हैं जी। अच्छा, कि आप हमें कुछ गा के सुना सकते हैं? बेशक। बागों बहार हूँ थो यजुनी, दिलट करार हूँ थो यजुनी, बागों बहार हूँ थो यजुनी, दिलट करार हूँ थो यजुनी, अनार चेलाज बिल तू पशितत जलई पोनर पुंगी तू पशितत, अनार चेलाज बिल तू पशितत जलई पोनर पुंगी ले तू पशितत, तुम यू फूल ग्यार हूँ थो यजुनी, बागों बहार हूँ थो यजुनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझ में तो हमें सिर्फ बाग बहार आ रहा था, बाकी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने में बहुत मधुर था। इसका मीनिंग क्या? ये शायर अपनी महबूबा की याद में कह रहा है कि आपके चलने में, आपके आने से मेरे, मुझे लगता है कि बागों में बहार आई है, और आप जब तशरीफ लाती हैं उनकी जुदाई में, जब आप तशरीफ लाती हैं मेरे दिल को थोड़ा सुकून सा आता है, ये इस अशारों का मतलब। बहुत खूब। तो क्या इस चीज़ का हबा खातून से भी लिंक है कुछ? हबा खातून से क्योंकि उनकी भी जुदाई आखिर के वक्त में, जब यूसुफ शाही चक को, जो हमारी तारीख में है कि उनको जब मुग़ल बादशाहों ने गिरफ्तार करके ले लिया, तो थोड़ा जो जिस शायर ने ये कलाम लिखा है उनका थोड़ा बहुत उसकी तरफ भी इशारा होगा। हाँ, खातून की तरफ। हाँ, कि उनके जहन में भी ये होता। सुन के तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक चीज़ और बताइए, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं जी, जी, ये सामने जो पीक है, क्योंकि सूरज सामने तो अच्छे से नहीं दिख रहा। हाँ, हाँ, यही हबा खातून पीक है ना? जी जी, ये हबा खातून पीक है। बहुत यहाँ पर बहुत सही है, आपसे मुलाकात होगी, और मुलाकात भी देखिए ऐसी जगह हुई है जहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा है, नज़ारे हैं। जहाँ पर देखो ना आप चारों तरफ ये खूबसूरत वादियाँ, बीच में वैली, और इधर किशन गंगा रिवर, गंगा बहती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इजाजत दीजिए। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैं पिछले इतने सालों में घूमा हूँ, अगर मुझे अपने टॉप 20 साइटसीइंग एक्सपीरियंसेस को लिस्ट करना है, तो वो टॉप 20 में से ये जगह एक है। चलते चलते हम दोबारा पहुंच गए हैं राजदान पास। जब हम श्रीनगर से आ रहे थे ना गुरेज वैली जाने के लिए, तो यहाँ पर खड़े होके हमने 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय बिताया था, और वापस उसी माहौल में।
गाड़ी में बैठे हुए तो एहसास नहीं हो रहा था कि बाहर मौसम कैसा है, लेकिन अब आए हैं ना तो ठंड लग रही है। ये बोर्ड मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वेलकम टू राजदान पास। अक्सर क्या जब गुरेज लोग आ रहे होते हैं ना तो हर आदमी का अपना माइंडसेट होता है कि कहाँ कितना रुकना है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, यहाँ आप समय दो आपको अच्छा लगेगा। तो जिसका मतलब ये है कि स्टार्ट योर डे अर्ली फ्रॉम श्रीनगर, और कहीं आपको जैकेट की ज़रूरत पड़े ना पड़े, इस जगह ज़रूर पड़ेगी। एक और चीज़ बताता हूँ, जब हमने गुरेज में देखा कि वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, लो वोल्टेज आता है, जनरेटर करके चलता है, तो मैं सोचता था कि लाइट क्यों नहीं है, जैसे इंडिया में जगह जगह आज घर घर बिजली, तो ये एक चीज़ है जो करनी चाहिए कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गुरेज के अंदर, जिससे कि लोकल्स के लिए सुविधा प्रॉपर बनी रहे। चलो, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि राजदान पास के एक तरफ बांडीपुरा है जहाँ पर हाइडल है, और एक तरफ को गुरेज वैली है, और हम बीच में खड़े हैं। तो जब वहाँ पर हाइडल है तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है, ये मेरे मन में सवाल आया। राजदान पास पे ना आपको एक व्यू तो वहाँ से वैली का पूरा दिखता है, एक व्यू यहाँ से वैली का दिखता है, बाकी जैसा मौसम परसों था वैसा ही मौसम अभी भी है। मैंने पिछली बार भी आपको ये स्नो दिखाई थी, पिछली बार क्या मतलब दो दिन पहले भी स्नो दिखाई थी। वापस अब हम स्नो के पास हैं, वहाँ सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और आसमान में बादल भी आप देख लो। बस अब कुछ दिन की बात है, इतने खूबसूरत बादल हमें देखने को मिल रहे हैं, फिर एक बार घर पहुंच जाएंगे तो ये सीन नहीं मिलेगा। बहुत खूब, 5-7 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा नीचे उतरेंगे। सामने देखो इंडियन फ्लैग कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत खूब। वॉक करके थोड़ा उस पार चलते हैं। राजदान पास से हमने लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र किया और मैगी खाने के लिए वापस रुक गए हैं उसी जगह जहाँ परसों भी रुके थे। जी सर। तो शौकत भाई ने मुझे वैसे पहले ही बता दिया था कि जब हम रिटर्न जा रहे होंगे ना तो मैं आपके साथ श्रीनगर तक नहीं चलूँगा, रास्ते में इनकी कोई दूसरी पार्टी हमें मिलेगी, कोई दूसरा पार्टी इनको मिलेगी जिनको इन्होंने पहले से कमिट किया हुआ है कि मैं आपको गुरेज घुमाऊँगा, तो हम उस गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। जी सर। अभी कितना 5-10 मिनट में आने वाली गाड़ी वो? हाँ आ रही है सर, वो आ रही है, उससे बात हो गई उनसे तो ये तो यानी आपका और हमारा जो अब साथ है और 10-15 मिनट का ही है। अब 10-15 मिनट का सर। तो लगेज हमारा दूसरा गाड़ी में शिफ्ट करेंगे और हम वो वूलर लेक वगैरह घूमते हुए श्रीनगर कब तक पहुंचेंगे तो हमारे को वो तो किसी को मालूम नहीं है सर, लेकिन रात तक श्रीनगर पहुंच जाएंगे। आज सुबह हमारे माइंड में ना एक थॉट आ गया था, वो थॉट ये था कि हम क्या करें कि हमारा कल का और परसों का जो प्लान है, अहरबल वाटरफॉल जाना है, कोकरनाग में रात को रुकना है, फिर दक्षा मोड़ सिंथन टॉप जा रहे हैं, ये अगले 2 दिन का प्लान है, तो हम उसको चेंज करके हम कुपवारा चले जाएं। ये थॉट कल रात से मेरे माइंड में चल रहा था, सुबह इनके साथ मेरी कम से कम आधा घंटा डिस्कशन हुई बड़े सारे पहलू को लेके कि मैं फेवर में था हम चले जाएं कुपवारा। अब ये मेरे को आइडिया दे रहे थे कि कुपवारा अगर आपको जाना है, जिस तरह से आप वीडियो बनाते धीरे धीरे चलते हो तो आपसे तो 2 दिन में नहीं होगा, आपको कम से कम 4 से 5 दिन चाहिए। तो फिर मैंने को लगा ये बाद में लॉजिक तो है, ये सारी बातें फिर उन्होंने बताई तो मैंने फिर वो थॉट को माइंड से निकाल दिया। तो अब देखो 1 साल बाद बनेगा या 2 में बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर मैं कुपवारा का प्लान। थैंक यू। और आजकल कुपवारा बहुत ज़्यादा फेमस तेज़ी से हो रहा है, बहुत बहुत सर, जो उसके जो मेन डेस्टिनेशन जो है अभी टिटवाल है। हाँ। केरन, करना, लोला। हाँ। बंगस। हाँ। बहुत ये जगह बहुत फेमस है। हाँ। आज के टिटवाल में जो टेंपल है शारदा देवी मंदिर, जी जी, वो कितना दूर है, वॉक करके जाना पड़ता है, गाड़ी जाती है? जहाँ गाड़ी उसको ड्रॉप कर रही है ना तो 100 मीटर के दूरी पे वो, बहुत पास है। पास है सर, पास है, उसमें ज्यादा नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अभी फिलहाल सामान इधर रखते हैं, हम चल के मैगी खाते हैं, फिर तब तक एटलीस्ट आपका भी लंच हो जाएगा। ओके जी, आओ आज अंदर चलते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? कैसे हो सर? बस बस एकदम बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वापस आ गए आपकी मैगी खाने के लिए? बिल्कुल सर, रेडी हैं। रेडी हो?
बहुत बढ़िया, हम सब लोग के लिए मैगी तैयार कर दो और वैसा ही मैगी बनाना जैसे उस दिन बनाई थी। हाँ, वो बड़ा वाला आलू होगा आपके पास ना, वो यूज़ कर सकते हो मैगी में, बड़ा आलू 1 किलो वाला आपके पास है? मेरे पास कहाँ से आएगा बड़ा आलू? नहीं वो आलू नहीं डालते। अच्छा, आप डालते नहीं आलू? अपने स्टाइल में, अपनी स्पेशल मैगी। नहीं वैसे होता है 1 से 2 किलो आलू। नहीं हुआ क्या कि हम लोग ना गुरेज गए थे जी, तो वहाँ एक हमें किसी ने बताया था कि एक आलू आ रहा है 1 किलो वाला। अच्छा। वहाँ पे ग्रो होता है गुरेज में, शेखपुरा के शेखपुरा बोलते हैं, शेखपुरा साइड में। तो मैं हैरान हूँ, मैंने कहा 1 किलो आलू तो बहुत बड़ा होगा। होगा होगा सर, ये आपने खुद देखा है? देखा नहीं, मैंने देखा नहीं है, मगर होगा सर। कॉन्फिडेंस है आपको कि 1 किलो आलू होगा? पक्का है। अच्छा जी, 100%। मतलब सोचो जो आलू किसी ने नहीं देखा, सब सुना है। नहीं सुना नहीं सर, गुरेज वालों ने देखा होगा कि हम लोगों ने नहीं देखा। देखो सर, ये हमारे अंकल हैं। अच्छा, इनसे पूछ ले। बताओ बताओ इनका सवाल। अच्छा हेलो, एक छोटी सी बात पूछनी थी। हम लोग ना गुरेज गए थे, तो गुरेज में ना, गुरेज में काका पैलेस, तो मैं ना एक्साइटेड था। हम लोग शेखपुरा गए ना, तो वहाँ उन्होंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ ना बड़ा आलू उगता है। तो हमने कहा बड़ा बोले तो कितना? कह रहे हैं 1 किलो तक का भी आलू आता है। तो मेरे को बड़ा मन था कि वो, बिकॉज हमने आज से पहले कभी 1 किलो आलू देखा ही नहीं। तो आता है 1 किलो, 1.5 किलो आलू? 1.5 किलो पक्का आएगा, एक सिंगल पीस 1 किलो का पक्का। अच्छा जी, और इतना मीठा, मीठा तो था, कहने की बात है, मीठा आलू तो था, वो याद आ गया। तुलेल में होता है, तुलेल, तुलेल में एक जगह है, जीजी शेख बोलते हैं वहाँ, जीजी शेख, गुंड गुल शेख, वहाँ की आलू मेरे ख्याल में वर्ल्ड में मशहूर, और 1 किलो का पक्का होगा। अच्छा जी, वो बता रहे थे भी सीजन निकल गया है तो इस समय नहीं है, लेकिन इस वक्त नहीं होगा। इस वक्त जो भी आलू था वो भी इसमें खेती में भेज दिया इन्होंने, बीज बोया, अभी सितंबर के लास्ट में वहाँ आलू निकालने शुरू हो जाएंगे। तो भाई हमारे, हम तो नहीं देख पाए, लेकिन अब आपके साथ कोई टूरिस्ट आएगा आप दिखाना उनको 1 किलो वाला आलू, तो दिखाना पड़ेगा। देखो जो चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलती वो आप बता रहे हो कि शेखपुरा में देखने को मिलेगी। जैसे ये जो नाम आपने बोला, ये शेखपुरा से आगे, मतलब नीरू से आगे, ग्रटार से आगे, नीरू से आगे, बड़ू गांव से आगे, हुसन गांव से, हुसन गांव से इधर। अच्छा, हुसन गांव से पहले बुगलंदर से। अच्छा, ओके, जहां पड़ी आती है ऊपर, हाँ, उस पड़ी के दाने से दाएं साइड में। ओके, तो अब देखो इससे हमें ये पता लगा कि गुरेज में दो किस्म के आलू हैं, ये तो कंफर्म हो गया, एक छोटा आलू और एक बड़ा आलू, मतलब दो वैरायटी होगी ना। बहुत खूब। अब कहां से? हम दिल्ली से आ रहे हैं। वो अपना शोल्डर बैग था ना ग्रीन कलर का, वो मेरे उसमें रख दिया सीट पे, मैंने पूरा आपका सामान। ओके शौकत भाई, बड़ा एंजॉय किया आपके साथ। थैंक यू। अब वापस राजदान पास होते हुए गुरेज। जी सर, मेरा अपना ये वाला रास्ता पकड़ के जाता हूं। डन डन। ओके जी, बाय। मैंने ना इनको बोला मैगी में अंडा डाल दो, तो ये बन गई हमारी अंडा मैगी। ये भी सही है। बढ़िया, गुड टेस्ट। एक चाय बोल देते हैं भैया, चाय भी साथ में कर दो, ठीक है? अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं और हम बूलर लेक जाएंगे, और जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर अभी कहीं चले गए हैं, देखता हूँ अभी आएंगे 5-7 मिनट में, तो बोलता हूँ अभी लंच कर लो फिर चलते हैं यहाँ से। मेरा मन हो रहा है मैं 15-20 मिनट वॉक कर लूँ, फिर गाड़ी में बैठ जाएंगे, तो आप यहाँ से थोड़ी देर में निकल पड़ना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है जी। आज तो मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ, कोइंसिडेंस की लेवल देखो, वाह जी वाह, मतलब अब तो मतलब कुछ खास ही नहीं, खास ही बात है, कुछ चोटने वाले नहीं देखी नहीं, मतलब अब आप कहीं पे गाड़ी खड़ी कर लो, मतलब मैं तो कितना बजे, हाइट ऑफ कोइंसिडेंस देखो, कल कैसे अचानक मिले और आज भी दोबारा अचानक। गाड़ी थोड़ी साइड कर लो, क्योंकि ये चलता रोड है ना, थोड़ा साइड पे कर लो। हम लोग सुबह चले, सुबह कितने बजे चले हम? 9 बजे हम बख्तूर गए, हम की कर जाके ओ तू गए, तू हेल गया, तुलेल, तुलेल। अच्छा वहाँ भी होकर आ गए, बताओ तुलेल भी गया। हाँ, तो हमको ब्रेकफास्ट डिले हो गया, इसीलिए टाइम हो गया।
अरे वाह जी, वी कुड लीव ओनली एट 9 o'clock. अच्छा, अगर मैं इस मोमेंट पे वॉक नहीं कर रहा होता तो हम नहीं मिलते? कैसे पता लगता गाड़ी के अंदर कौन बैठा है? हम बोलते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन. आज तो मतलब आपसे मिलना ही था. मैं आई कैन टेल यू सो मेनी सिचुएशंस इन डिवाइन इंटरवेंशन, नॉट ओनली मीटिंग पीपल बट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. और अभी आपको मालूम है आप हमारे को इंटरवीन करके कहाँ पे हेल्प करने वाले हो? जी, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, हमारे श्रीनगर में बुकिंग नहीं है. अब मुझे होटल बताओ, क्योंकि इस समय काफी होटल सोल्ड आउट है. कोई अभी लास्ट वीकेंड है, हमारा एक हाउस बोट है, एक लाल लेक होटल है, पूछ के बताओ. हाँ, लाइसेंस करके. हाँ, वही है ना. हाँ, सेम है, तो लगा दो ना. अच्छा, संपर्क करो इच्छिता तो सध्या बंद. कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी तो श्रीनगर बहुत दूर है, अभी कनेक्ट क्यों. हम लोग नेटवर्क है, यानी हम लोग आपसे कनेक्ट कर लेंगे. तो अगर हमने कहीं और बात कर ली तो आई विल लेट यू नो, अदरवाइज हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे. चलो, और मैं इतनी सारी बातें बताई, और बाय चांस पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो HV कुमार जी और कनकर यार, आपके नाम कल भी बताया था और मैं फिर भूल जाता हूँ. वेरी बैड ऑन नेम्स. यू आर वेरी स्ट्रांग ऑन प्लेसेस, प्लेस नेम्स. चलो, बहुत बढ़िया. अब आप भी आगे चलिए और हम भी चलते हैं. चलो सर, बहुत अच्छा लगा दोबारा मिलकर. डन डन, ओके. हाँ हाँ, बात करते हैं. थैंक्स. वॉक करके इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता. मतलब मेरा मन हो रहा है 1 से 1.5 घंटा मैं नीचे मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्लोप है, पूरा डाउनहिल जा रहे हैं ना, तो कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, एफर्टलेसली चल रहे हैं, और इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते आगे बढ़ते रहे. अगर मैं 1.5 घंटा पैदल चल लिया ना, जैसे मेरे को मन हो रहा है, तो आज हम श्रीनगर नहीं पहुँच पाएंगे, रास्ते में ही रुकना पड़ेगा. एनीवेज, एक 15 मिनट की वॉक तो ले ही सकते हैं. बहुत खूब. ये जो रोड है ना सामने, ज़्यादा व्हीकल नहीं आते, 1-1.5 मिनट में कोई एक आध गाड़ी आती है, तो आपको अच्छा भी लगता है. ज़्यादा ट्रैफिक हो तो वो वॉक का चार्म कम हो जाता है. और मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि गुरेज़ के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, और इस रोड पे जो टूरिस्ट चलते हैं वही चलते हैं जिनको गुरेज़ जाना है. सीन पे सीन है. अच्छा, गाड़ी में बैठ के ना ये सब समझ में नहीं आता. जैसे नेचुरली आप गाड़ी में बैठे हो ना तो सारे व्यू एक जैसे दिखते हैं, अब वॉक कर रहे हैं ना तो एक अलग फीलिंग है ये. जब हम कल गुरेज़ में घूम रहे थे तब भी हमने जगह जगह ऐसा किया था, शॉर्ट वॉक्स, हाफ हाफ किलोमीटर की 2-3 जगह, तो भी मज़ा आया था. बांदीपुरा बोल रहे हैं, यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है. हम लोग श्रीनगर पहुंच चुके हैं. सोचा होमस्टे जाने से पहले पोलो व्यू मार्केट देख लेते हैं. लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो इस मार्केट नहीं आ पाया था. अच्छा लग रहा है वैसे तो. रात में मार्केट कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है. लाइटिंग है ना नाइस, लेफ्ट राइट दोनों तरफ शॉप्स हैं, और पाथवे बढ़िया सा बना हुआ है. और अच्छी बात यह है कि ये नो ट्रैफिक जोन है, सिर्फ आप पैदल चलकर मार्केट घूमो और इन्जॉय करो. पोलो मार्केट घूमते घूमते ना मैंने सामने ये स्टैंड देखा, यहाँ कुछ साइकिल्स खड़ी हुई हैं. अब देखो सीन ये है कि पहला आधा घंटा साइकिल चलाना यहाँ पे फ्री है. ऐप डाउनलोड करो, आधा घंटा चलाओ, आधे घंटे में यहाँ पे छोड़ दो, और उसके बाद हर 30 मिनट्स के चार्ज है 5 रुपया. अब मैंने ऐप डाउनलोड करके तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पर किसी ने बताया जो साइकिल लेकर निकला ही था. ये मार्केट एक्चुअल में तो लाल चौक का ही पार्ट है, लेकिन ये पोलो व्यू मार्केट के नाम से जानी जाती है. ज़्यादा दुकानें तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ काउंट, मेरे ख्याल से 40 या 50 होंगी, लेकिन अच्छा है, नाइस. शाम के समय आप आओ या लाइटिंग देखो तो एटलीस्ट लाइटिंग देख के अच्छा लग रहा है. गुड. और साइकिल के बारे में मैं सोच रहा था कि कोई अगर साइकिल यहाँ से ले जाता है तो आप डल लेक किनारे साइकिलिंग भी कर सकते हो. डल लेक से चलते चलते निशात गार्डन तक चले जाओ. आई एम श्योर जैसे ये स्टैंड है तो ऐसा निशात गार्डन और डल लेक में भी स्टैंड होगा, ऐसा मेरा गेस है, होना चाहिए. अभी यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है ना, और जो लाल चौक है मार्केट, वहाँ मैं पिछली बार भी नहीं जा पाया था. मैं जब लौट कर वापस श्रीनगर आऊँगा तब हम लाल चौक मार्केट विज़िट करेंगे.
और वैसे लाल चौक मार्केट नज़दीक ही है, 100 मीटर डिस्टेंस पे, और मैंने सुना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर ना लाल चौक का भी बहुत फेसलिफ्ट हो रहा है, 2 दिन के बाद जाएंगे वहाँ पर। अभी हम वहाँ से चले और इस तरफ आ गए हैं। वॉक करते करते अभी हम झेलम रिवर फ्रंट तक आ चुके हैं, हमें मुश्किल से 7-8 मिनट लगे हैं। पोलो व्यू मार्केट उस तरफ है, वहाँ से वॉक करके एक ब्रिज पार किया और हम इधर आ गए हैं। अब ये जगह बड़ी प्यारी है, यहाँ पर एक वॉकवे सा बना हुआ है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये आप नीचे देख लो कितना मस्त है ना, और रात के समय तो इतना बढ़िया लग रहा है। लाइट्स लगी हुई हैं, इधर ग्रास है, एक वॉकवे उस तरफ को है, तो आप बहुत मस्त टहल सकते हो और इवनिंग लाइटिंग रिवर साइड इंजॉय कर सकते हो। ये जगह ना रिसेंट में ही डेवलप हुई है और यहाँ पर आकर ना अच्छा इतना लग रहा है कि मुझे लगता है कोई भी अगर टूरिस्ट श्रीनगर घूमने आता है ना तो इवनिंग के समय यहाँ पर आना चाहिए, एटलीस्ट आधा एक घंटा मस्त इंजॉय कर सकते हो, स्पेशली लाइटिंग और रिवर साइड। हैशटैग कश्मीर नाइस, बड़ा मस्त डिज़ाइन किया है, सो ब्यूटिफुल, बहुत खूब। 10-1 मिनट और टहल लेते हैं और उसके बाद हम माताज होम से जा रहे हैं, आज हमारा स्टे वहीं पे है। महाताज हम पहुंच चुके हैं और रूम में जाने से पहले ना मैंने सोचा डिनर कर लें, क्योंकि डिनर टाइम इनका एक्चुअल में ओवर हो चुका है। फ़ोन करके इनको कहा था मैंने कि हम लोग थोड़े लेट हैं तो प्लीज़ वेट कर लेना। ग्रेट, कड़ी, मिक्स वेजिटेबल, पनीर और शिमला मिर्च। मानना पड़ेगा मिक्स वेजिटेबल में जो सादगी है ना, कमाल की है। मसाले ज़ीरो, मतलब समझ लो जैसे एक बॉइल्ड फूड होता है ना, हल्का सा नमक डाल के। काफ़ी लोग इस तरह का खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तो आजकल बहुत पसंद करता हूँ। एक टाइम था मेरे को मिर्च मसाले वाला खाना पसंद था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो मेन वेजिटेबल का स्वाद है ना वो इसमें ज़्यादा आता है, अदरवाइज तो मसाले ही हम इंजॉय कर रहे होते हैं। ट्राई, पनीर अल्ट्रा फ्रेश है और बहुत बढ़िया स्वाद है, टू गुड। आज का ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो रहा है, चलने में थोड़ा लेट हो सकता है कल, क्योंकि अभी 10:15 का टाइम है और फिर डेटा कॉपी वो सब चक्कर में हम अब भागम भाग नहीं कल करना चाहते, कल थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, हो सकता है हम 9:30 या 10 बजे चलें। चलो अभी आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप कहाँ जा रहे हो? फोटो लेने जा रहे हो? इतनी जबरदस्त जगह है ना, यहाँ पर आके आपका मन नहीं भरेगा फोटो लेते लेते, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वाह।